हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है आज हम रेबाजिन टेबलेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि ये जो टैबलेट है वो एक अल्सर कंडीशन यानी कि माउथ अल्सर है स्टमक अल्सर है गैस्ट्राइटिस है तो उस कंडीशन में ये जो टैबलेट है वो हम यूज़ कर सकते हैं तो चलिए इसका डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं कि आज हम कौन कौन से कंटेंट है जो कि आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक ऑफ मेडिसिन यूज़ ऑफ मेडिसिन लेबल स्टडी वर्किंग एंड डोज ऑफ मेडिसिन प्राइस ऑफ मेडिसिन साइड इफेक्ट्स वार्निंग्स प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम रेबाजन टेबलेट के बारे में स्टडी करेंगे तो चलिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो ये जो टैबलेट है रेबाजेंट वो एक एंटी आंसर अल्सर जो क्लास है उसे बिलोंग करती है आ, उसका ब्रांड नेम है रेबाजेन सॉल्ट कंपोजिशन है रेबामापाइड मापाइड देन स्ट्रेंड है हंड्रेड एम जी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आ, एंटी अल्सर क्लास से बिलोंग करती है देन आ, ये जो टेबलेट है वो मैनुफेक्चर मैकलियो फार्मास्यूटिकल कंपनी करती है जो कि एक इंडियन मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है मुंबई में आ, किस कंडीशन में ये टेबलेट हम यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स म्यूकोजल प्रोटेक्शन जो माउथ का जो एरिया है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पेप्टिक अल्सर में गेस्ट्राइटिस में माउथ अल्सर में एंड बेचिट्स जो डिजीज़ है उस कंडीशन में हम ये जो टेबलेट यूज़ कर सकते हैं तो स्टमक में छाले पड़ रहे हैं मुख में छाले पड़ रहे हैं तो ये जो छाले हो रहे हैं हमारी बॉडी में तो उस कंडीशन में रिबाजन टेबलेट हम ले सकते हैं यहाँ पे है पेप्टिकल्सर पेप्टिक के अल्सर, अल्सर यानी कि स्टमक में अल्सरेशन होना जो होल पड़ रहा है तो उस कंडीशन में अल्सर जो आ रहा है तो पेप्टिकल्सर डिजीज में ले सकते हैं गैस्ट्राइटिस में भी ले सकते हैं इन्फ्लेमेशन हो रहा है गेस्ट्रिक एरिया में तब भी ये टेबलेट हम रेफर कर सकते हैं अब लेबल स्टडी पे आते हैं कि रेबापामाइड जो टेबलेट है वो उसका जनरिक नेम है रेबापामाइड ब्रांड नेम है रेबाजेन मैकलियोज फार्मास्यूटिकल उसे बनाती है तो यहाँ पे उसका लोगो दिया हुआ है ये जो टेबलेट है वो फिल्म कोटेड टेबलेट है एंड यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ लिखी हुई है हंड्रेड एम जी अगर बॉक्स के अंदर के पैकेजिंग के बारे में देखें तो ये टेबलेट है वो स्ट्रिप पैकेजिंग में अवेलेबल है एंड एक स्ट्रिप में टेन टेबलेट्स आती है वर्किंग के बारे में देखें तो ये ते, जो टेबलेट है वो वर्क क्या करती है इम्प्रूव सिंथेसिस ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग एंड मेक फास्टर एंड क्वालिटी हीलिंग ऑफ अल्सर तो ये क्या करेगी ये जो मेडिसिन है हमारी बॉडी में जहाँ अल्सर हो रहा है वहाँ पे प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसके सिंथेसिस को स्टिम्यूलेट करती है जिससे हीलिंग की प्रोसेस फास्ट होती है और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है आ, तो डोज़ के बारे में देखें तो डोज़ क्या है उसका एडल्ट डोज जो है वो हंड्रेड एम जी थ्री टाइम्स है वन टैबलेट थ्री टाइम्स अ डे ले सकते हैं डू नॉट यूज़ दिस टैबलेट इन हाई डोज अब अगर मैं वीडियो के बीच में आपको बताना चाहूँ तो ऐसे ही मेडिसिन आ, जो रिव्यू है वो आपको अच्छे लगते हैं तो अब हमारी जो ऐप है वहाँ से जाके आप हमारा मेडिसिन कोर्स परचेस कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो ऐसे ही जो रिव्यूज है मेडिसिन के बहुत सारे जो रिव्यूज है आ, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे तो अब हमारे टॉपिक पे हम वापस से आते हैं प्राइस पे तो इस टेबलेट की प्राइस क्या होगी द लेटेस्ट प्राइज ऑफ रिबाजेंड टू जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इज वन हंड्रेड थर्टी सेवन पॉइंट फिफ्टी रुपीज टोटल टेन टैबलेट्स टेन टैबलेट्स की वन हंड्रेड थर्टी सेवन पॉइंट फिफ्टी रुपीज उसकी प्राइस है देन प्राइस पर टैबलेट इज थर्टीन पॉइंट सेवेंटी फाइव रुपीज अगर साइड इफेक्ट के बारे में देखें कि कौन कौन से साइड इफेक्ट देगी डिजीनेस यानी कि चक्कर आना फटिक यानी कि थकान रहती है माउथ ड्राई रहता है कॉन्स्टिपेशन होता है स्किन पे रेसिस आते हैं तो ये जो सारी है वो साइड इफेक्ट है उसकी और दूसरी जो साइड इफेक्ट है वो लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कम लगती है नोजियार वॉमिटिंग डायरिया इचीनेस एंड अल्टर टेस्ट टेस्ट चेंज रहता है माउथ का तो ये जो सारी साइड इफेक्ट है वो रेबाजिन की है वार्निंग्स में क्या है तो वार्निंग्स में आएगी एलर्जिक रिएक्शन अगर आप ये जो टैबलेट ले रहे हैं उसके सॉल्ट कंपोजिशन से आपको एलर्जिक रिएक्शन है तो इमीडिएटली हमें ये जो टैबलेट है वो नहीं लेनी चाहिए स्टॉप करनी चाहिए अगर आपको लीवर और किडनी डिजीज है तो उस कंडीशन में भी नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं लेनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग में भी अवॉइड करनी चाहिए डू नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन चिल्ड्रन को ये टेबलेट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए अवॉइड कंज्यूमिंग अल्कोहल वेन यूजिंग दिस टेबलेट अगर आप ये टेबलेट ले रहे हैं तो हमें अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए तो उस कंडीशन uh, में अल्कोहल नहीं लेना चाहिए अगर आपको ऐसे ही uh, कोई कंडीशन है तो इस कंडीशन में ये टेबलेट जो है हमें प्रेफर नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या है टेबलेट की अकॉर्डिंग टू एफ डी ए प्रेग्नेंसी कैटेगरी सी है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है और uh, हमें ब्रेस्ट फीडिंग में और प्रेगनेंसी में भी ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए देन ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के बारे में देखें कि कौन सी ड्रग इंटरेक्शन है जो रिबासन टेबलेट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो यहाँ पे है डाइक्लोफेनाक एंड सेलिकॉक्सिप ये जो दो ड्रग है उसके साथ हमें रिबापाइड जो ड्रग है उसे अवॉइड करना चाहिए तो अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा ऐसे ही मेरे मेडिसिनल रिव्यूज़ के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी जो ऐप है वहाँ से आप उसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो